16 किलोमीटर दूर सिमगा ब्लॉक के ग्राम मोहरा में लोकार्पण के पहले ही नवनिर्मित हायर सेकेंडरी स्कूल भवन के कमरों की दीवारों पर दरार नजर आने लगी हैं। खिड़कियां भी टूटने लगी हैं, जिसे वॉल पट्टी और रंग रोगन से दबाने का प्रयास किया गया है। इससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के अंतर्गत करीब 1,22,00,000 की लागत से भवन का निर्माण कराया गया था। लोकार्पण के बाद नए सत्र से नवनिर्मित हायर सेकेंडरी भवन में कक्षाएं लगना शुरू हो जाएंगी। इससे आने वाले दिनों में बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहेगी, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। पूरा बर्जर है, ये कोई भी सूरत में उद्घाटन करवा के नहीं है। ये कभी भी पानी गिरे के बाद लड़का मन लक्ष्य पहुँचा सकते स्कूल ढंग से बने नहीं है। मेरे लड़का मन पढ़ा दे हमारे गाँव मन बाहर के मान नहीं स्कूल में बरसात में आनी है तो हमारे लोग लड़का मन ऊपर हानि है कि डर है। जगह जगह टूटे पाइप लगे लगे तो मैं तो पूरा छड़ मन दिखा थे वो छड़ मन ठीक से लगे लगे नहीं है। मन में पानी जा थे ग्राम पंचायत मोहरा में 1,22,00,000 के भवन निर्माण स्कूल जिनमें गुणवत्ता के इतना शिकायत है और हम देखे हम और कल शिकायत भी कलेक्टर होकर मुख्यमंत्री को पास कर दो। राज्य विद्यालय मोहरा गुणवत्ताहीन बना हुआ है, इसको हमारे हैंडओवर करने के लिए शाला प्रबंधन समिति में रखा गया था तो प्रिंसिपल महोदय ने हमें जितने भी प्रबंधन समिति के सदस्य हैं सबको आलोकनार्थ के लिए नवनिर्मित विद्यालय पर लाया गया था। हम लोगों ने यहाँ मुआयना किया, देखा तो लगा ये गुणवत्ता नहीं है, दीवार को छूने से टूट रहा था। पूजा के खड़गवा ब्लॉक